मॉर्निंग यूट्यूब के दोस्तों, आज वीकेंड है, यहाँ पे संडे है। हमने सोचा था बीकानेर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, बट एरिका और अरन दोनों सो रहे हैं, तो मैंने राहुल को बोला कि जाके तुम ले आओ छोले भटूरे, मुझे बहुत पसंद है, तो वो बस छोले भटूरे लेने गए हैं। ये देखो, ये हमारे यहाँ का व्यू है सुबह 10 बजे का। रोड थोड़ी खाली दिख रही है ना, क्योंकि आज वीकेंड है। सो अब ये हमारा बीकानेर से आ चुका है छोले, और ये लस्सी तो राहुल ने बनाई है ना राहुल। सो बस अब हम अपना ब्रेकफास्ट शुरू करें, चलो निकालो। ये है छोले, अरन भी आ गया, एरिका भी आ गई। ये देखो, यम्मी यम्मी, इज गोइंग टू गो इन माई टमी। You want to eat? Pickle, pickle, pickle. So we are laid back, मतलब बहुत आलस आ रहा है, ठीक है। और वो देखो राहुल को वहाँ लेटा हुआ है, हमारे बच्चे जो है टीवी देख रहे हैं, कैसा क्या बोलूँ मैं। सो दोस्तों, आज बच्चों और हस्बैंड की फरमाइश पे मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ, और हमारे घर में पास्ता ज़्यादा ही बनता है, बिकॉज सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू हाउ आई मेक पास्ता एट होम, बाइट साइज पास्ता आई एम गोइंग टू मेक। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, इसमें हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ जब पास्ता को बॉईल करती हूँ, पास्ते बोल रही हूँ। तो मैंने इसमें हल्का सा ऑयल डाल दिया है, पास्ता को बॉईल करने के लिए भी रखा है कढ़ाई में। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें घी, ये मेरा वे ऑफ मेकिंग पास्ता है, जैसा मेरे बच्चों को पसंद है। घी डाल के इसमें मैं पहले अनियन डालूँगी, ज़्यादा कुछ अभी अवेलेबल है नहीं, वेजिटेबल्स में सिर्फ कैप्सिकम और अनियन है, तो मैं वो डालूँगी, सॉटे करूँगी थोड़ी देर। I'll just show you guys, okay? तो ये मैंने अनियन डाल दिया, और मैं इसको थोड़ा चलाऊंगी, हल्का ब्राउन हो जाएगा, फिर कैप्सिकम डालूंगी और थोड़े से हल्के फुल्के मसाले, ज़्यादा नहीं, वाइट सॉस पास्ता है, बट मैं हल्का सा थोड़ा बहुत मसाला डालूंगी। I'll just show you guys। अब ये मैंने इसमें कैप्सिकम डाल दिया, लग रहा होगा कैप्सिकम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पास्ता की जो क्वान्टिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर, इसलिए मैंने ये डाला है। अभी गाजर वाजर कुछ अवेलेबल नहीं है घर में। सो ये मैंने डाला बटर, और अब इसको मैंने इसमें डाल दिया गार्लिक, ओके। और गार्लिक की क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा है, मैंने कैसे बोला ना कि पास्ता बहुत ज़्यादा बना रही हूँ मैं, तो सो दोस्तों मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है, और अच्छे से विस्क कर दिया है ताकि मैदा और गार्लिक ये सब मिक्स हो जाए। तो ये जो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, ये गार्लिक है, ओके। गार्लिक मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। सो ये मैंने अभी पास्ता डाल दिया जो कि बॉईल करके रखा हुआ था, अब इसमें वेजीज डालूँगी और चीज़ डालूँगी और ओरिगैनो डालूँगी। अभी इसमें मैंने वेजीज भी डाल दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया, मुझे मिल्क थोड़ा कम लग रहा था, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ये बनने के बाद बहुत यम्मी लगेगा। अब मैं इसमें चीज़ डालूंगी, सॉल्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो जब मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, पुट चीज़, जितना आप खाते हो उसके हिसाब। सो मैंने ये चीज़ डाल दिया, अब ये इसमें मिक्स हो जाएगा, बिकॉज दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। ये ओरिगैनो वैसे भी राहुल का फेवरेट है, तो ये थोड़ा सा दूध थोड़ा और थिक होगा ना, तो और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, वी आर गोइंग डाउन नाउ, मैं सो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज वीकेंड है तो बच्चों को थोड़ा सा बाहर। आपका स्कूटर अभी ला रहे हैं पापा, गाड़ी में एरिका ला रहे, ओके। तो बस कस्बा लेके जा रहे हैं हम लोग। सो दोस्तों, दिस इज द व्यू, इवनिंग व्यू, देखो कितना प्यारा व्यू है। एरिका स्कूटर से खेल रही है, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स कस्बा।
दिस इज द ब्यूटीफुल मॉस्क। दोस्तों यू कैन सी वी आर वेटिंग कि राहुल आरिका का स्कूटर लेके आए। आरिका आरन का स्कूटर यूज कर रही है। व्हाट हैपेंड? आरिका स्कूटर चला रही है, देखो राइडिंग स्कूटर। तो आरिका को मिल गया एक नया दोस्त जो उसका भाई की तरह ख्याल रख रहा है और अपना असली भाई इज नॉट टेकिंग केयर। दोस्तों एरिका का स्कूटर आ गया है और अब मुझे पार्लर जाके कुछ पता करना है, कुछ सर्विसेज लेनी है। तो मैंने कहा चलो मैं अब पार्लर वाला काम निपटा लेती हूँ। पता नहीं वीकेंड में बहुत आलस आता है, तो मैंने कहा चलो अब ये लोग बच्चे खेलेंगे, इन द मीनवाइल आई विल जस्ट फाइंड आउट अबाउट द सर्विसेज। देखो ये वो एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, हर तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं। शावरमैन भी है यहाँ पे, अच्छा सा शावरमा मिलता है। एंड बस आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स ब्यूटी पार्लर, लेट मी जस्ट गो। पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत प्यारा हो गया। जो भी दुबई घूमने आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। बट वेट बढ़ गया तो सांस चढ़ने लगती है, थोड़ा भी वॉक करो तो, ये भी एक रियलाइजेशन है। सो फाइनली आई एम गोइंग टूवर्ड्स राहुल, पार्लर का मेरा काम हो गया, मुझे जो फाइंड आउट करना था। अब आई विल बी गोइंग टू लुलू, लेट्स सी। दोस्तों एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, अरुण को कैट ने स्क्रैच कर लिया। अब राहुल उसको हॉस्पिटल लेके गया है इंजेक्शन लगाने के लिए और मैं एरिका के साथ कस्बा में हूँ, अब घर लेके जा रही हूँ एरिका को। ये बच्चा अरे इतना शैतान है ना, इतनी शैतानी करता है, व्हाट टू से। तो दोस्तों मैं बाहर आई हुई हूँ, अभी भी बाहर हूँ, राहुल हॉस्पिटल में है, भूख लगी थी तो असर ट्रीट दे रहा है, फलाफल ट्रीट दे रहा है। मैंने कहा चल थोड़ी बात करूँगी तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। सो दोस्तों फाइनली अरन इज़ बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बोला कि इट्स फाइन, थोड़ी मेडिसिन दी है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी कैट ने जो उसको स्क्रैच किया था। अब रात के 1 बज रहे हैं, आई एम स्टिल अवेक। लोग हॉस्पिटल से लेट आए एंड से बाय आरिका, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।